के लिए अधीन है। अकड़ वाला है तो भगवान ने कहा और अकड़ वाले तेरे यहाँ पैर नहीं रखेंगे। और जब कोई भक्त मिल गया तो बिलरानी के घर केले का छिलका खाने चले गए, बिना बुलाए जबरदस्ती मेहमान बन गए। दीन भी अधीन भी है गोविंद राधे। स्वतंत्र अधीन भी है कृष्ण बता दे। भगवान श्री कृष्ण उनके आगे कुछ नहीं है। अक्षरात परतः परः सबसे परे वो है, उनके अंदर में सब कुछ है। श्री कृष्ण के अंदर में महाविष्णु प्रथम पुरुष, उनके अंदर में द्वितीय पुरुष, उनके अंदर में तृतीय पुरुष ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उनके अंदर में अनंत कोट ब्रह्मांड। इतने स्वतंत्र है, अवधीन इतने है कि आप लोग जानते ही है भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं बिचारी बिचारी। भगवान का जश्न नहीं होता आज है और जन्म भी होता है। बहुन में गति काली जन्मान, भगवान स्वयं कह रहे एडमिट कर रहे जन्मा भी अजन्मा भी वो जैसे इस समय आप लोगों को हम सुना रहे हैं, ये भी कीर्तन है।
और एक होता है नारद पद्धति। वो पद्धति कैसी होती है? गायन के साथ बाजा गाजा, जैसे आप लोग कीर्तन कर रहे हैं, ढोल भी है, झांझ भी है, हारमोनियम भी है, और भी अनेक बाजे रख लो साथ में, ये नारद पद्धति है। और हनुमत पद्धति एक होती है, उसमें गायन भी है प्लस नृत्य भी है, नाचना भी है, वो भी आप लोग कोई कोई करते हैं। ये तीन पद्धति से संकीर्तन होता है। कीर्तन के तीन भेद गोविंद परिभाषा क्या है? जीवात्मा जो है हम लोग, इसकी परिभाषा क्या है? जीव ज्ञाता कर्ता भोक्ता, जीव ज्ञाता कर्ता भोक्ता गोविंद राधे। शंकराचार्य वगैरह कहते हैं जीव ज्ञान स्वरूप है, और बाकी वैष्णवाचार्य कहते हैं नहीं, ज्ञान ही नहीं है, ज्ञाता भी है और कर्ता भी है, वर्ता करने वाला, कर्म करने वाला, और भोक्ता भी है, कर्म फल भी भोक्ता है, और नित्य भी है, और अधीन भी है भगवान के, और असंख्य भी है, अनंत जीव है। इसी परिभाषा मेन मेन है इसी। ज्ञाता कर्ता भोक्ता गोविंद राधे। नित्य आधीन असंख्य बता Yeah.
तख्त मिलता है, जिसे आप दुश्मन कहते हैं, शत्रु कहते हैं, उसके द्वारा जो तख्त मिलता है वो आज भौतिक तख्त कहलाता है। दूसरों से मिले जो भी गोविंद राधे, सर्दी गर्मी वगैरह से मिलता है, बड़ी गर्मी है, आप परेशान हो रहे हैं, चक्कर आ रहा है, बड़ी सर्दी है, खून जम गया, ये तमाम कष्ट सर्दी गर्मी आदि का भी होता है, ये आज दैविक कष्ट है। सर्दी गर्मी आज से Thank you.